आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत। अपना परिचय देना चाहूंगी कि मैं एडिशनल डीसीपी हूं, मेरा नाम सुनीता मीना है, अभी जयपुर कमिश्नरेट में तैनात हूं और मैं 2001 बैच की आरपीएस ऑफिसर हूं। लगभग 20 साल की मेरी पुलिस की नौकरी हो गई है। आप सभी को जो मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगी वो एक साधारण सी जर्नी है, बहुत उसमें अमेजिंग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हर आदमी की जर्नी अपने आप में स्पेशल होती है, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है उस दिन से ही उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। जन्म लेना अपने आप में संघर्ष है, उसके बाद में पढ़ने में अपना आप संघर्ष है, रोटी के लिए दाल रोटी के लिए अपने आप में संघर्ष है, फिर इसके बाद में नौकरी के बाद में जब आदमी शादी करता है फिर वहाँ एक नया संघर्ष है, फिर जब वो सब कुछ करने के बाद में एक मकान बनाता है वो एक संघर्ष है, फिर बेटा बहू के साथ में जीता है वो भी एक संघर्ष है। सो संघर्ष हर व्यक्ति के साथ है, लेकिन आसान तब हो जाता है जब हम इस संघर्ष को संघर्ष ना समझें और एक जीवन का तरीका समझें, तो ये बहुत आसान हो जाती है लाइफ। और अपनी लाइफ वास्तव में अपने को संघर्ष भी ही नहीं समझनी चाहिए, और जो आसानी से जीता है ना जीवन में वो ही बहुत आगे तक जाता है, लॉन्ग लाइफ वो ही जीता है, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। सो जिंदगी को जिंदा दिल के साथ ही जीना चाहिए, मेरा तो ये उसूल है कि जो भी आएगा देखा जाएगा, चलते रहो, आज अच्छा होना चाहिए, कल की परवाह हम नहीं करते। तो मैं अपने आप के बारे में यही बताना चाहूंगी कि मेरी शुरुआत जो हुई मेरी गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई, चित्तौड़गढ़ जैसे छोटे से शहर में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, और उस स्तर पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा महिलाओं को और बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता वहाँ पर लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया। खास तौर में मैं रिन्यू हूँ उस प्लेटफॉर्म से, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे उन अध्यापकगणों को, टीचर्स को, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। सच्चाई ये बताऊँ कि मुझे शुरू से स्टेज का बड़ा शौक था, स्टेज पर आने का, और स्टेज पे आके फिर अखबारों में जो नाम आता था ना वो कटिंग मैंने 6 क्लास से अपनी संभाल के रखी हुई है, और जिसको बोलना चाहिए जितने भी ये सर्टिफिकेट्स मिलते थे उन सारे सर्टिफिकेट्स को मैंने अपनी लाइब्रेरी बना रखा है, बचपन से इकट्ठा करने का शौक था। तो हर कंपटीशन में चाहे मैं उसके लायक हूँ चाहे नहीं हूँ मैंने पार्टिसिपेट किया, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी पुस्त पर आऊँ। तो ये मेरे ख्याल से एक चीज़ है जो सबके साथ में है कि हमें हर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने आप को लोगों के सामने एक उसमें रखना चाहिए, और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जनता अपनी आप आपका साथ देती है, दुनिया अपनी आप आपका साथ देती है। तो जब मेरा नाम अखबारों में छपता था तो वो बचपन से कटिंग्स मैंने अपने रख रखी हैं, और उसके बाद में मैं जिम्नास्टिक की अच्छी प्लेयर रही हूँ, और मैंने नेशनल लेवल तक मैं गई हूँ अपने साइंस मॉडल कॉम्पिटिशन्स में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्होंने बनाया हमें, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, और माता पिता का अपने अपने बड़ा योगदान होता है, माँ बाप के बिना आप कुछ नहीं हो, जो भी हैं जन्म देने के बाद में लास्ट तक अगर कोई कंधा आपको मिलता है सपोर्ट के लिए तो अपने माँ बाप का ही होता है। तो उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा मुझे बोला, मेरा निकनेम है सोनू, तो हमेशा मुझे बोला सोनू दी ग्रेट, पता नहीं ताना देते थे या क्या था लेकिन वो सोनू दी ग्रेट कहा कहते थे मुझे। सो ग्रेट का फीलिंग हमेशा ग्रेट वाली ही आती थी, तो हमेशा अच्छा अच्छा करने की कुछ ललक रहती थी, कुछ नया कुछ यूनिक करने की ललक रहती थी। यही कुछ करते करते मैंने अपना बीएससी कर लिया, मैं बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, टॉपर हूँ मैं, एंड मैंने अपनी पढ़ाई अच्छे से करके हिंदी माध्यम से मैं पढ़ाई करके जयपुर में आई। तो जयपुर में आने के बाद में मैंने एमबीए किया यहाँ पर पोद्दार से। तो यहाँ आकर मैंने देखा कि लाइफ के अंदर बड़ा स्ट्रगल है, मतलब अभी तक तो समझ में नहीं आया था संघर्ष क्या है, क्योंकि बड़े आसानी से सब कुछ हासिल होता चला गया। तो यहाँ आने के बाद में हमारे यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो रहा था सीआर का, तो उन्होंने बोला कि कौन बनेगा। मैंने आपको बताया मेरी इच्छा शुरू से हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की रहती थी और उसमें जीतने की रहती थी, कोई सा भी नंबर आए पर आए। तो जैसे उन्होंने बोला सीआर कौन बनेगा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, मैंने अपना हाथ खड़ा किया, तो उन लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। अक्सर होता है अपने सबके साथ होता है, लाइफ के अंदर सबको वो चीज़ें नहीं मिलती जो उनको चाहिए होती है,
तो इग्नोर कर दिया, मैं हाथ खड़ा करती रही लेकिन किसी ने मेरे पास ध्यान ही नहीं दिया। देन उन्होंने एक दूसरी लेडी को, लड़का था, दोनों को चूज करके, किसको सीआर फर्स्ट एंड सेकंड, उनको चूज करके कर दिया। और फिर मेरे से बोला कि आपसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। सो मतलब वही वाली बात की गुड्डन तुमसे नहीं हो पाएगा लाइक दैट। सो मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत है, क्योंकि हमेशा बेस्ट, मेरे को ऑलराउंडर बेस्ट गर्ल का अवार्ड मिला हुआ था। सो आपके अंदर वो फीलिंग रहती है, मतलब माइंड में कभी आया नहीं था कि हम इतने, मतलब कोई हमें इग्नोर भी कर सकता है। घर पे आए तो मम्मी को बताया, मम्मी कहा क्यों बुझी बुझी सी लग रही है। मैंने कहा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ। मदर ने बोला कि बेटा तेरे लिए कुछ बेस्ट बनाए, ईश्वर ने कुछ और अच्छा चुन रखा है, तो कुछ अच्छा होगा, तो इसलिए टेंशन मत ले, ये तो छोटी सी बात है, तुझे बहुत आगे बढ़ना है। मैं वापस आई दूसरे दिन, और वापस आने के बाद में फील होता रहता ना मन में, जब आपको कोई कुछ कह देता है तो कितना भी कह लो लेकिन मन में फील होता है, तो वो फील होता रहता है। मैंने आकर दूसरे ही दिन क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव की जगह मैंने फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अपेक्स का जनरल सेक्रेटरी का फॉर्म भरा। तो जब मैं फॉर्म भर रही थी तो मेरे साथ जो गवाही देने के लिए होते हैं दो जने, तो वो भी ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। ये वही परिस्थिति थी। साइन कराया मैंने उनसे, सब लोग मुझे आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे थे कि क्या कर रही है, क्यों अपनी इज्जत खराब करने में लगी हुई है। एंड देन जब मैं बाहर निकल के आई भरभरा के अपना नॉमिनेशन, सबने बोला यार सुनीता तूने क्या किया। 5-6 दिन में मुझे भी लगा यार सुनीता तूने ये क्या किया। फिर इसके बाद मैंने अपनी पूरी ताकत, जिसको बोलते वो लगा दी, साम दाम दन भेद सब कुछ लगा दिया। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब आप पूरे दिल से कोई काम करते हो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और यही हुआ, पूरी कायनात का मतलब पूरा जयपुर ने मेरा साथ दिया, और मैं भारी मतों से निर्दलीय चुनाव जीती जयपुर का जनरल सेक्रेटरी राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जिसमें 5 कॉलेज है, महारानी, महाराजा, जयपुर यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, तो 5 कॉलेज का ये जो चुनाव अपने आप के अंदर बड़ा कॉलेज वो था, उसको जीतने के बाद में शानदार फीलिंग आई। सो लाइफ के अंदर ये, मैं ये जो जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं ये कि लाइफ के अंदर कुछ अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, तो हम कुछ गलत हो जाए तो उस पर रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, कंटिन्यू निरंतर चलता रहता है, तो संघर्ष खत्म होते जाते हैं, व्यवस्थाएं बनती चली जाती है, जिंदगी आराम से निकल जाती है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर मेरा सिलेक्शन भी हुआ, मैंने काम भी किया अपने HRD मैनेजर के रूप में जयपुर में। उसके बाद मेरा इसमें 2001 में 99 के बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ, 2001 की मेरी पोस्टिंग हुई RPS के उसमें। पुलिस नो डाउट चुनौतीपूर्ण है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सभी के लिए, और मेरे ख्याल से हर एक के लिए हर फील्ड चुनौती वाला है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ चुनौतियाँ नहीं है। तो निश्चित रूप से चुनौतियाँ आई, लेकिन चुनौतियों को, मतलब चैलेंज को फेस करना एक मज़ा है, और मज़ा आया लाइफ में पुलिस बनकर, बहुत मज़ा आया, शायद मैं बनी इसीलिए थी। और मैं आपको दिल से कहना चाहूँगी, अगर कोई मुझसे पूछे कि अगले 7 जन्म में आप क्या बनना चाहती हो, तो मैं अगले 7 जन्म में भी पुलिस वाली बनना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ इस नौकरी से। और मुझे ये लगता है कि क्योंकि मेरे मन में जो इच्छा थी समाज सेवा की, तो ये नौकरी ऐसी नौकरी है जिसमें कि मैं मन, मतलब पूरे मन से समाज सेवा कर सकती हूँ। हर व्यक्ति की मैं रोते हुए के जो चेहरे पर स्माइल ला सकती हूँ, दिल से उसके दर्द को मिटा सकती हूँ, उसको तुरंत रिलीफ दिला सकती हूँ। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि मैं ऐसी समाज सेवा कर सकती हूँ जिसमें मुझे तनख्वाह भी मिलती है। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो लाइफ, ये मेरी पुलिस नौकरी नहीं है, मेरी पुलिस हॉबी है, वास्तव में पुलिस सर्विस है, सेवा है, तो मैं वो सेवा ही कर रही हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर साल मैंने कुछ नया किया अपनी पुलिसिंग में भी, हर साल कई अवार्ड जीते। और अभी जयपुर में आपने सुनी होगी हमारी निर्भया स्क्वाड, आपने नीली वर्दी की एक टीम हमारी देखी होगी, वो नीली वर्दी की टीम हमने बनाई है जयपुर के अंदर, जो कि लगातार आपको व्हाइट कलर की मोटरसाइकिल पर सायरन बजाते हुए, कोरोना काल में जरूर आपने देखी होगी, जगह जगह लाइन से आपको चक्कर लगाते हुए दिखाई देती है। हमारे 212 महिला ऑफिसर्स हैं, और ये महिला ऑफिसर्स जो काम करती है वो ये कि सुबह ये तैनात रहती हैं पार्क में,
ताकि हमारे महिलाएं और बच्चे आराम से पार्क में बेधड़क घूम सके, मंचलों पर ये शिकंजा कर सके। उसके बाद में पहुंचाती है स्कूलों के बाहर, कॉलेज के बाहर, ताकि वहां हम चलाते हैं अपना ऑपरेशन रोमियो, ताकि सारे रोमियो को पकड़ के अंदर कर सके। वहां से हम चले जाते हैं फिर हॉस्पिटल के बाहर, अपने होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल वगैरह, जहां पर की महिलाओं की तादाद होती है, बस स्टैंड वगैरह, जहां भी भीड़ भाड़ रहती है, हाट वगैरह, वहां हम लगातार चौकन्नी निगाहों से निगरानी करते हैं। और उसके बाद वापस जब छुट्टी का टाइम होता है वहां पहुंच जाते हैं। और शाम को जब मेरी बच्चा कोचिंग जाती है तो कोचिंग के आसपास, और चूंकि मेट्रो कल्चर है जयपुर में, नाइट कल्चर है, तो रात को हम डिस्को बार, रेस्टोरेंट, इसके बाहर भी निगरानी करते हैं। कई सारी महिलाओं बच्चियों को हम लोग घर भी छोड़ के आते हैं। हम किसी को नहीं बताते कि हमें कॉल किसने किया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम आपकी पहचान को गोपनीय रख रहे हैं, यानी कि आपकी बच्ची अगर परेशान है वो कॉल कर दे, उसकी पहचान उजागर नहीं करेंगे, उसकी सारी समस्या का निपटारा कर देंगे। वो असामाजिक तत्व जो उसको परेशान कर रहा है उसकी जितनी भी चीज़ें तफ्तीश कर लेंगे, सच्चाई को सामने लाएंगे और उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे ले जाएंगे। और यदि लड़की गलत है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये हमारा एक तरीका है कि क्योंकि गोपनीय रखने का कारण यही है कि लड़कियाँ, हमने देखा है कि मैं थाने में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं पुलिस वाली हूँ, मेरी बच्ची के साथ कुछ होगा और मैं जाके बोलूंगी तो लोग कहेंगे ओ पुलिस वाली की बच्ची सिक्योर नहीं है, तो मैं भी नहीं जाना चाहती क्योंकि मीडिया में आ जाएगा, मीडिया वाले कि मेरे बच्ची को नहीं जाना क्योंकि और लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में हम लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। तो घुटना नहीं है, घुटना नहीं है हमको, जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है और इसके लिए ही निर्भय आपका साथ देगी और आपको सिर्फ कॉल करना है इस नंबर पर। और इसके अलावा एक हेल्पलाइन, हमारा नंबर व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है क्योंकि मोबाइल का जमाना है, आपको केवल हमारे जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8764868200 इसके ऊपर अपनी कंप्लेंट को लिखना है, फोटो खींचना है, भेज देना है, और आपको वीडियो बनाना है क्राइम का, कोई भी कहीं वीडियो फोटो बनाना है भेज दीजिए, हम लोग उस पर जरूर से जरूर एक्शन लेते हैं। और हमारा एक्शन थाने के द्वारा जो होने वाले एक्शन की तुलना में बहुत फास्ट है, उनके पास में क्या बहुत सारा काम है, हमारे पास सिर्फ यही काम है। सो आप लोग तुरंत हमें अगर बताएंगे तो उस पर एक्शन होगा। तो आपके घर में अगर कोई काम वाली है, वो परेशान हो रही है, तो प्लीज आप हमें बताएं, हम तैयार हैं इसके लिए। आप लोग हमारे नंबर्स को जरूर शेयर करें क्योंकि मैं अपना बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, पर मैं किसी और का बेहतर करूं तो बहुत फर्क पड़ता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमें किसी और का बेहतर करना चाहिए और इसीलिए हमारी हेल्पलाइन को जरूर से जरूर शेयर करना चाहिए ताकि लोगों का हम बेहतर कर सके। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर व्यक्ति को हमारी जरूरत है लेकिन वो कह नहीं पाता। आप लोगों को एक बात और मैं बताऊंगी कि मेरी जो निर्भया स्पैड है ये पूरे जयपुर में, अभी राजस्थान पुलिस का ही एक हमारा वो है कि हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री 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 की चीज़ सबको अच्छी लगती है। सो हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग 15 साल से लेके बच्चियों को और 70 साल तक की महिलाओं को, और ऊपर भी अगर कोई सीखना चाहे तो उसका मोस्ट वेलकम है। हमने अपना डाटा यहाँ पे सेट किया हुआ है और हमने अपना रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर सेंटर बनाया हुआ है जहाँ हमें पता है कि बहुत कम महिलाएं आएंगी क्योंकि आना कोई नहीं चाहता, हर व्यक्ति अपने घर पर व्यवस्था चाहता है। तो हमने यही किया है, हमने ये किया है कि हम आपके घर के बाहर आकर आपको सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। हमारा टारगेट है कि हम हर महिला को, हर बच्ची को सेल्फ डिफेंस सिखाएं क्योंकि आत्मरक्षा का अगर किसी में गुण आ जाता है तो वो अपने आप में आत्मविश्वास का बहुत मजबूत हो जाता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और इसीलिए हमने ये किया है कि हम आपके घर के आसपास जहाँ भी आपकी 20-25 महिला या बच्ची हमको मिलेंगी वहाँ आकर हम किसी भी पार्क में, किसी भी पब्लिक प्लेस में जैसे आप हैं वैसे ही हम आपको सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। तो हौसला बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन बच्चियों में ये हौसला भरने के लिए ही हम ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चियाँ किसी भी रूप में आगे बाहर निकलें। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारे अगर ये दोनों पहिए एक साथ नहीं चले, महिला और पुरुष, तो हमारे विकास नहीं होगा और विकास होने के लिए इन दोनों का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो मेरी बच्चियाँ और महिलाएं सुबह शाम रात दिन आसानी से बाहर निकले, आर्थिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि अगर महिला इस मुद्रा में जिएगी, यानी कि मांगने की मुद्रा में जिएगी, अगर वो निर्भर है अपने पति पर, अपने बेटे पर, अपने पिता पर, अपने भाई पर, तो उसका शोषण होगा, दुनिया उसको दबाएगी जब तक वो निर्भर है। लेकिन जिस दिन वो लेने वाली में पोजीशन में नहीं, देने वाली पोजीशन में आ जाएगी, तो इस दुनिया की कोई ताकत उसका शोषण नहीं कर पाएगी।
फिर वो अपनी शर्तों पे जिएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी शर्तों पे जिए, क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किलों से मिली। हमारी निर्भया को, और इस पर हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना ऑपरेशन दुर्गा। हैशटैग मन चले तेरी खैर। शानदार तरीके से इसके अंदर हम लग जाएंगे और जयपुर के हर मन चले को चुन चुन के सलाखों के पीछे लेके जाएंगे। हमारा ये मानना है कि इस दुनिया में 99% पुरुष बहुत अच्छे हैं, मात्र 1% ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने पुरुष जाति को खामेखा बदनाम कर रखा है। तो उन 1% पुरुष जाति को बदनाम करने वाले असामाजिक तत्वों को सलाखों के पीछे ले जाना ही हमारा ध्येय है, जिसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो बिल्कुल आप हमारा मदद करेंगे, और ये ऑपरेशन जो दुर्गा हम शुरू कर रहे हैं इसमें आप हमारे लिए कंधे से कंधा मिला के चलिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें कॉल करना है। आप हमें ये बताइए कि कौन मनचला किधर घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पर लोगों को, खास तौर पे मेरे बच्चों को, पता ही नहीं है कि कानून क्या है, और उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान नहीं है कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। बच्चा हमारा, लड़का जो है वो 18 साल का है, 21 साल का है, लेकिन लड़की अगर 18 साल से कम की है तो भी उसकी सहमति मान्य नहीं है। सबसे बड़ी बात तो अगर लड़की चाहे 18 साल से ज़्यादा की है, अगर उसने बोल दिया नहीं, नहीं का मतलब नहीं है। वो जमाने गए कि लोग कहते थे कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, या लड़की की ना में भी हाँ होती है। अब वो जमाने गए, लड़की ने ना कहा है तो ना का मतलब सिर्फ ना होता है। तो लड़की अगर बाली गए, उसने ना कहा है तो आप उसको छू नहीं सकते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ये कानून के अंदर इतना बड़ा 354 में संशोधन हो गया है, ये आपको बताना है आगे कि आप पकड़ नहीं सकते उसका हाथ। अगर उसने कंप्लेंट कर दी 3 साल के लिए अंदर जाएंगे। और इसके बाद में दूसरी कहानी, अगर लड़की नाबालिग है तो उसकी सहमति भी मान्य नहीं रखती। कितनी बार हम बच्चे बच्चियों को लेके आते हैं तो पकड़ के जब लाते हैं तो वो बोलते हैं, मैडम जो भी किया हम दोनों की सहमति से था। अजी मियां बीवी राजी तो क्या करेगा ताजी। मैंने कहा भाई लड़का तो बाली गए लेकिन लड़की नाबालिग है, इसलिए बहुत कुछ करेगा ये काजी, तेरे को अंदर डालेगा ये काजी, क्योंकि नाबालिग की सहमति भी मान्य नहीं है। तो ये बताना बहुत जरूरी है बच्चियों को खासतौर पर, कि ऐसे प्रेम प्रसंग में ना पड़े जिसकी वजह से किसी की बेटी की जिंदगी खराब हो जाए। तो अपने आप को मजबूत बनाए, बालिग होने तक जब तक आप डिसीजन मेकिंग में नहीं आ जाते, अपने आप को इन कानून से जरूर आप अवेयर रखें, क्योंकि अब ये कानून ही है जो व्यक्ति की, हमारे बस ये चीज है जो जुर्माना है, ये कानून है, इसी से डरता है आदमी। तो इस चीज को आपको जगह जगह पहुंचाना है कि धारा 354 IPC में बहुत बड़े परिवर्तन हो गए कि अब किसी लड़की का पीछा करना भी अपराध है। पीछा किया, लड़की ने कंप्लेंट करी, अगर आपने इसको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया, कंप्लेंट करी, तो IT एक्ट में तो 5 लाख रुपए का जुर्माना भी। तो ये सब चीजें आपको अपने बच्चों को जरूर बतानी है। हम इस चीज के लिए तैयार हो गए कि हम हर स्कूल, चाहे वो प्राइवेट है, हर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सब जगह जाकर बच्चों को ये कानून की शिक्षा देंगे। आपकी बस ये मदद की जरूरत है कि आप हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इसमें हमारी सहायता करें। और इसके लिए हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, सुरक्षा सखी। सुरक्षा सखी का मतलब ये है कि हमने अपने वॉलेंटियर्स बनाए हैं। कई लोगों ने बोला कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पूरे जयपुर शहर में हम 2.5 लाख महिलाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं सुरक्षा सखी के रूप में, ताकि हर मोहल्ले में हमारी सुरक्षा सखी होगी। वो ताकि कोई लड़की अगर मुझे कंप्लेंट नहीं कर पा रही तो उसको जाके बता देगी, आपके आपके कॉलेज में, आपके हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम होगी वो आपको आके बता देगी। तो हमने सुरक्षा सखी में कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि कौन आदमी हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारे साथ ऊपर से लेके नीचे तक हर कोई जुड़ सकता है, जिसकी इच्छा है पुलिस के साथ काम करने की। तो सुरक्षा सखिया हमसे आप जुड़िए, और हमें डायरेक्ट आप बताइए अगर आपके आसपास कुछ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो ताकि हम सब मिलकर समाज से उस गंदगी को दूर कर सके, मेरी बेटियों को मजबूत बना सके, और साथ ही हम हमारा जो फर्ज है उसे पूरा कर सके। और इस फर्ज को पूरा करने में आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। हम
आपके लिए नौकरी कर रहे हैं, ये सेवा सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, तो हमें बस आप थोड़ा सा सहयोग दीजिए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि है समय नदी की धार के सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं, पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे जिसके अंदर एक शानदार समाज होगा, जिसमें हमारे जयपुर का नाम पूरे विश्व में हम लोग रोशन करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि हम भी किसी के मार्गदर्शन से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमारी युवा प्रेरणी के जो युवा हैं उनके लिए हम लोग डेफिनेटली कुछ ऐसा करके जाएं कि वो अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाएं। तो हम सब लोग उनका साथ देंगे और हमेशा जयपुर पुलिस कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। प्लीज याद रखिएगा हमारी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।